हेलो स्टूडेंट, आज आप फिजिक्स का नया एक्सपेरिमेंट करोगे जिसका एम होगा टू स्टडी द चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कंडेंसर थ्रू ए रजिस्टर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले डीसी सप्लाई होनी चाहिए आपके पास, एक डीसी सप्लाई। रेजिस्टेंस चाहिए आपको डिफरेंट 10 किलो, यहाँ पे हमने यूज़ करी 10 किलो, 50 किलो और 18 किलो ओम के। ठीक है, इसके बाद आपको कैपेसिटर चाहिएगा 1000 माइक्रोफेरड का यूज़ करा है हमने। इसके बाद 2200 माइक्रोफेरड और 4700 माइक्रोफेरड का यूज़ करा है। ठीक है, इसके बाद आपको डीसी वोल्टमीटर और डीसी मिलीएमीटर ये आपको चाहिएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं डेमो इसका। ये इसका सेटअप होगा। सेटअप में ये देख लो, ये आपका सेटअप है। ये आपकी डीसी सप्लाई हो गई और ये आपका मिली एमीटर हो गया और दूसरा ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। इसके बाद सबसे पहले हम कनेक्शन देख लेते हैं इसके। देखो कनेक्शन जैसे ये सर्किट में दे रखा है, ये आपका इसका मैनुअल है। ये जो सर्किट दे रखा है बिल्कुल सेम LED, यही कनेक्शन होने हैं आपके। ये मैनुअल में जो दे रखा है, ये चार्जिंग का है, ये डिस्चार्जिंग का कनेक्शन है। ये दो अलग अलग सर्किट डायग्राम दे रखे हैं, सेम यही कनेक्शन करने हैं इसको। लेकिन सर्किट को थोड़ा आसान करने के लिए कुछ इंटरनली कनेक्ट हो रहा है तो इसको ऐसे कनेक्ट करना है। ये मिलीमीटर का साइन बना हुआ है, दूसरा मिलीमीटर का साइन आपका ये बना हुआ है। इसका पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देना और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर देना। ये पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। ऐसे देखो, ये वोल्ट मीटर का साइन बना हुआ है यहाँ पे और ये कि ये बना हुआ है। इसको पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट करना है इसको। और ये आपकी सप्लाई होगी डीसी सप्लाई। ठीक है, यहाँ से हमें इसमें सर्किट में करंट को पास कराना है तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव ये जोड़ दिया मैंने और ये नेगेटिव नेगेटिव। देखो ये वाला कनेक्शन आपका एक तो रेजिस्टेंस में जाएगा, ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया ये वाला कनेक्शन आपका, और ये वाला हो गया आपका कैपेसिटर के लिए। ठीक है, आपको देखो 10 किलो ओम, 15 किलो ओम और 18 किलो ओम ये अलग अलग रेंज की आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके ये कैपेसिटर दे रखे हैं। अगर मान लो आप 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हो तो आपको ये 1000 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर लेना पड़ेगा। अगर ये 15 किलो ओम का ले रहे हो तो आपको 2200 माइक्रोफेरड का आपको ये कैपेसिटर लेना पड़ेगा। इसी हिसाब से मैं अभी इसको फर्स्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट ले लिया मैंने, इसको ऑन करके देखते हैं। देखो वोल्टेज को रखना है मैक्सिमम पे। अब मैंने इसको ऑन किया है। देखो ये आपका कैपेसिटर फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें और 10 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। तो ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये चार्ज हो रहा है। आपको रीडिंग नोट करनी होगी चार्जिंग की, मैं आपको बता दूंगा कैसे नोट करनी पड़ेगी। अब देखो जब ये चार्ज हो जाए, ये आपकी वोल्टेज वाली निडल रुक जाए, तो फिर आपको इसी वाली नोब से आपको इसको डिस्चार्ज करना होगा। डिस्चार्ज करना होगा, ये डिस्चार्ज, ये आपका इस टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, और एक नोब है हमारी ये डंप, जिस पे डंप लिखा है। डंप इसलिए होता है, यूज़ करते हैं कि अगर मान लो आपकी रीडिंग गलत हो जाए, रीडिंग नोट करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो डंप को यूज इसलिए करते हैं कि इसको एक साथ डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, डिस्चार्ज। हाँ, कनेक्शन इसके सेम एज इट इज़ इसके वही हैं, सर्किट में जो दे रखे हैं आपके वही कनेक्शन दें हैं, जो ये कनेक्शन दे रखे हैं सेम वही कनेक्शन है। लेकिन सर्किट में थोड़ा आसान करने के लिए इसको ऐसे करा है हमने। तो अब हम रीडिंग लेते हैं। इसके लिए हमें एक स्टॉप वॉच चाहिएगी। देखो ये स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच चाहिएगी। इसको रीस्टार्ट कर लिया मैंने, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो हर पाँच, इसको आपको करना क्या है, चार्जिंग वाली नोब को चार्जिंग पे करते हुए तो आपको हर 5 सेकंड में वोल्टेज की और करंट की रीडिंग को नोट करना होगा। वोल्टेज की और करंट की रीडिंग को नोट करना होगा। ठीक है, नोट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो पहले आप डिवीज़न मार्क कर लो,
है ना, डिवीजन काउंट करते जाओ, चले जाओ 5 सेकंड पे कितने, 10 सेकंड पे कितने और 15 सेकंड पे कितने। तो पहले डिवीजन काउंट कर लो, फिर उसके बाद लीस्ट काउंट से उसमें डिवीजन में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपको हर 5 सेकंड पे आपको रीडिंग नोट करनी है, हर 5-5 सेकंड के गैप पे आपको वोल्टेज की और करंट की रीडिंग को नोट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको नोट करते जाना है जब तक ये वोल्टेज मैक्सिमम ना पहुंच जाए। ठीक है, आपको इस तरह से आपको रीडिंग नोट करनी है वोल्टेज की और करंट की। ये अभी चार्जिंग पे नोब, देखो ये चार्जिंग पे है अभी नोब, ये मैंने चार्जिंग पे कर रखा है इस नोब को। अब ये चार्जिंग की रीडिंग है। अब देखो ये आपका वोल्टमीटर में रीडिंग आपकी मैक्सिमम पहुंच गई है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, इसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के लिए आपको वहीं से आपको रीडिंग नोट करनी है हर 5-5 सेकंड के गैप पे। ठीक है, हर 5-5 सेकंड के नोब, आपको कोई कनेक्शन चेंज नहीं करना है, केवल इस वाली नोब को आपको ये चार्जिंग पे हो रही है इसको डिस्चार्जिंग पे कर देना है। और फिर जिसे अभी चार्जिंग के लिए रीडिंग नोट करी थी हर 5 सेकंड के गैप पे, ऐसे ही आपको हर 5 सेकंड के गैप पे आपको रीडिंग नोट करनी होगी। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया, हर 5 सेकंड पे आपको रीडिंग नोट करनी है। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, इसमें आपको हर 5 सेकंड पे रीडिंग नोट करनी है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये आपका डिस्चार्जिंग का करंट है, ठीक है, इधर 1 है और इधर 0 है, तो इसका मतलब ये -1 से 0 की तरफ जा रहा है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जब बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये आपका डिस्चार्ज हुआ है, इस टाइम पे हर 5 सेकंड पे रीडिंग नोट करनी है। तो इस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है। आइए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। और देखो अभी मैंने आपको परफॉर्म कैसे करना है, कैसे रीडिंग नोट करनी है वो बताया, मैंने इसको परफॉर्म किया है। तो ये इसकी ये टेबल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमें आर और सी की वैल्यू को पता होना चाहिए, जो रेस इसमें दिया था हमने, पहले कौन सा लिया था, ये लिया था मैंने फर्स्ट वाला। देखो ये ले रखा है मैंने 10 किलो ओम का और ये ले रखा है 1000 माइक्रोफेरेड का, ये वाला फर्स्ट वाला कैपेसिटर लिया है और फर्स्ट वाला ही रेजिस्टेंस लिया है। तो इनकी वैल्यू कितनी, 10 किलो ओम और ये है 1000 माइक्रोफेरेड। सबसे पहले ये आपको नोट करना है और हर ये आपको टेबल बनानी है, आपको पहले चार्जिंग के लिए बनानी है। चार्जिंग के लिए टाइम, वोल्टेज और करंट यही तो थी हमारे पास, 5 सेकंड में वोल्टेज कितना आया आपका, ये आया आपका, और करंट ये था, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता गया और करंट ये कम होता चला। तो ये आपकी चार्जिंग के लिए रीडिंग आ गई और सेम फिर उसको ही हमने डिस्चार्ज किया। तो डिस्चार्जिंग के लिए आपको ये टेबल बन जाएगी। डिस्चार्जिंग के लिए आर और सी की वैल्यू सेम थी हमारी 10 किलो ओम और 1000 माइक्रोफैरड। तो ये होगी आपकी डिस्चार्जिंग के लिए। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इसमें 4 ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको बनाना है चार्जिंग के लिए ग्राफ, जो बनाएंगे वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, और दूसरा ग्राफ बनेगा करंट और टाइम के बीच में, करंट और टाइम के बीच में ये आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखो इन रीडिंगों से कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये आपका जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा वोल्टेज वाला, ठीक है, और ये बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये तो आपके चार्जिंग के केस के दो ग्राफ हो, और सेम बनाने हैं आपको डिस्चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ आपका कैसे बनेगा, वोल्टेज और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, वोल्टेज टाइम बना, और दूसरा बनेगा करंट और टाइम। हाँ, इस वाले ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो करंट था 1 से 0 की तरफ गया था, तो इसका ग्राफ जो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से ग्राफ बनाओगे। तो आपको यहाँ पे टाइम लेना होगा और यहाँ पे आपको करंट लेना होगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से आपके ग्राफ बनेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, देखो जो ये आपकी चार्जिंग की रीडिंग थी, चार्जिंग में ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज था और ये आपका ये मैक्सिमम करंट था, ये मैक्सिमम करंट था। इसका चार्जिंग वाले केस में मैक्सिमम करंट का या वोल्टेज का हमें 63% लेना है,
इसका 63% कितना हो जाएगा, 0.63 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी इसमें, ये कौन से कर, किसका कर रहे हैं, वोल्टेज का, वोल्टेज का 63% लेके आप देखोगे, मान लो ये वोल्टेज का 8.4 का 63% कितना आया, ये टाइम कॉन्स्टेंट, ये जो यहाँ पे टाइम आएगा ये आर और सी की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। आर सी की वैल्यू कितनी है हमारी, आर और सी कितना आया यहाँ पे 10 किलो ओम था हमारा, किलो ओम और ये है 1000 माइक्रो फैरड, 1000 माइक्रो फैरड। तब इसका यूनिट चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ओम में छोड़ने तो कितना आ जाएगा 10 किलो ओम, और ये इसको फैरड में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 6 फैरड, ठीक है। तो ये माइनस 6 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टाइम कॉन्स्टेंट आपको कितना होना चाहिए, 10 सेकेंड आना चाहिए, ये टाइम कॉन्स्टेंट आपका 10 सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज वाले ग्राफ में चेक कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट ग्राफ में आ जाए आपका 10 सेकेंड नहीं आ रहा है तो आप इसमें नहीं आ रहा है, या पहली बार तो आ ही जाएगा नहीं आता है, तो फिर आप करंट की रीडिंग का जो मैक्सिमम का 63% करके लोगे, या तो इस वाले ग्राफ में आ जाए, इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखोगे ये आपका 10 सेकेंड के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हम आर ओ सी कितना ले रहे हैं, 10 किलो ओम 1000 माइक्रो फैरड, ठीक है। और ये हो गए आपके चार्जिंग के ग्राफ, ये हो गए चार्जिंग ग्राफ, और ये ग्राफ है आपके डिस्चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफों में अगर टाइम कॉन्स्टेंट आपका सही नहीं आता है तो आप डिस्चार्जिंग के ग्राफ में जो मैक्सिमम करंट है और या मैक्सिमम वोल्टेज उसका हमें 37% लेना है, ठीक है, उसका हमें 37% लेना है। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है हमारा, ये हो गया, इसका हम कितना लेंगे 37% जो भी आएगा इसका, उससे हम ग्राफ में देखोगे लाइन ड्रॉ करके, मान लो ये 37% ये आया, इससे लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो ये आपका टाइम कॉन्स्टेंट 10 सेकेंड के बराबर आना चाहिए। किसी एक ग्राफ में आपका टाइम कॉन्स्टेंट आर और सी की वैल्यू के बराबर आना चाहिए, आना तो चारों में चाहिए, लेकिन किसी एक ग्राफ में भी आ जाता है तो आपको सही, तो इस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है। काला वाला